कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, कि जो आइडियाज होते हैं ठीक है, कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे बताया कि इन्होंने स्टार्ट ऐसा किया ना कि रिलेवेंट जो प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम को वो आइडिया सॉल्व नहीं कर पा रहा है ठीक है, तो इट डजंट मेक सेंस कि आप किसी उसके बारे में बात भी करें जो है ना। तो पहले आपको प्रॉब्लम सोचना होगा ना कि प्रॉब्लम क्या है, और जो सोल्यूशन आपके जहन में आ रहा है, आपका जो आइडिया जो आ रहे हैं ना, तो पहली कंडीशन ये कि वो आइडिया जो है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए, उससे रिलेवेंट होना चाहिए ठीक है, पहली चीज़। सेकेंड ये होता है ना कि अगर इनोवेशन, आजकल जो है ना जब भी हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं ना, तो साथ में जो है इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बोथ जो है ठीक है, कि अगर आपके आइडियाज़ में कुछ इनोवेशन नहीं है ठीक, कुछ नई चीज़ नहीं है राइट, और आपने बस बिल्कुल वही जो है ना पुरानी चीज़ ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो दैट बिकम्स जस्ट अ नॉर्मल बिजनेस कि आप अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हो। तो अब आइडिया जो आपको आए हैं इट शुड बी अ इनोवेटिव, जो दोनों मैंने आपको एग्जाम्पल दिए अभी ठीक है, जो पहला आया था कि एक नया थॉट था, एक नया आइडिया था उसमें जो है ना, कुछ हटकर था, कुछ न्यू था बोल के ठीक है, और उसमें यूनिकनेस दिख रहा है ना। तो थर्ड चीज़ है कि वो यूनिकनेस होना चाहिए, आप यू कैन नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट, अगर यूनिकनेस नहीं है मतलब कि आप कहीं से कॉपी किए हैं, किसी ने यूएस में वो काम किया, आपको लगा अच्छा ठीक है भाई इंडिया मार्केट में वो नहीं है, आपने स्टार्ट कर दिया उसको यहाँ पे लाके। अब ये कि भाई अगर मान लो वाकई वो इतना चैलेंजिंग है कि भाई वहाँ के लोग यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, देन इट मेक्स सेंस, लेकिन अगर मान लो जस्ट सेम है एज अगर आप करना चाहते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, तो कॉपी पेस्ट के कैटेगरी में आ जाती है ना ठीक है। तो यूनिकनेस बहुत ज़रूरी है। एंड फोर्थ पॉइंट जो होता है कि भाई आपका फोकस जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। समटाइम्स जब आपको कोई आइडियाज़ आते हैं ना मतलब, और कोई चीज़ नई होती है, हटके होती है, तो आप रियली काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं ना ठीक है, और फिर आप बैठ जाते हैं कि भाई पूरी दुनिया का जो है ना प्रॉब्लम हम ही सॉल्व करेंगे बैठ के, देन यू थिंक कि मेरा जो आइडिया है ना ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, एंड देन यू जस्ट लिस्ट 100 ऑप्शंस ठीक है, सारी चीज़ें आप करने रहते हैं। वहीं पर आके लोग जो है आपको स्टॉप करते हैं कि भाई देखिए ऐसा है, आप फोकस कीजिए, एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अगर आपने कोई आपके माइंड में आइडिया आया कि चलो ठीक है यार द ओल्ड एज कैटेगरी जो है हमारे यहाँ पर है उनको प्रॉब्लम है, तो लेट अस से प्लान फॉर शेल्टर्स फॉर द ओल्ड एज होम ठीक है। अब आप उस आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, एक आइडिया आपको आया कि भाई एक मेरा यूनिक प्रोपोजिशन है कि भाई मैं ऐसा एक बनाऊंगा जो है ना शेल्टर्स बनाऊंगा जहाँ पर ओल्ड एज आ सकते हैं, वेरी गुड, अब आप उस पर फोकस कीजिए। आप अब उसके बजाय आपने कहा कि नहीं देखो ये तो हाई है ओल्ड एज, नाउ इट विल कैटर टू ऑर्फन ऑल्सो, इट विल कैटर टू इन्फेंट ऑल्सो, इट विल कैटर टू विडोज ऑल्सो, अरे यार सारी दुनिया का वहाँ पे लेके बैठे हैं क्या। तो आपको वो देखना है कि भाई आपका फोकस कहाँ पर है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना। तो एक चीज़ पे फोकस करते हैं तब वो आइडिया जो है ना कन्वर्ट होती है इनटू रियलिटी में, और उसके चांसेस जो है ना बढ़ते हैं प्रैक्टिकल एंटरप्राइज बनने में ठीक है। एंड लास्ट ये होता है कि भाई देखिए आपके जो आइडियाज हैं, वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस आइडियाज ठीक है, देयर आर द आइडियाज जहाँ पे आप जो है ना सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देन यू गो फॉर अ चैरिटेबल ट्रस्ट, आप एक जो है अगेन यू क्रिएट सम ऑर्गेनाइजेशन, भाई आपने कम्युनिटी में आपने सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम देखी, आपको एक आइडिया आया कि यार इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है, लेकिन वो जो आइडिया आपको आया वो कोई प्रॉफिटेबल नहीं है, उसमें कोई पैसे नहीं बनेंगे ठीक है, इट विल नॉट जनरेट एनी प्रॉफिट और मनी, अब वो बिजनेस आइडिया तो नहीं कहलाएगा बट ठीक है इट विल बी एन आइडिया टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम ठीक है। लेकिन जब आप कोई बिजनेस आइडिया की बात करते हैं ना, बिकॉज यहाँ पर हम एंटरप्रेन्योरशिप की वर्कशॉप कर रहे हैं ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के उसमें रोड मैप में आपका जो बिजनेस आइडिया रहे उसमें ये चीज़ भी कि ये पैसे कैसे बनेंगे, इससे ये जो आइडिया है ये कैसे कन्वर्ट होगा जहाँ से हम पैसे बना सके। तो प्रॉफिटेबल होना उस आइडिया का लॉन्ग टर्म में बहुत ज़रूरी है ठीक है, हो सकता है शॉर्ट टर्म में पैसे ना आए, इनिशियली साल दो साल चार साल पैसे उसमें जाएँ दैट्स फाइन, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसमें पैसे बनना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो है ना ठीक है। कि बहुत से टाइम जैसे इन्होंने बताया कि भाई लोग स्टार्टअप फाउंडर्स आते हैं पिच करते हैं ठीक है, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर आइडियाज, दे आर रियली एम्बिशियस जो है ना ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर उनसे पूछा जाए कि भाई ठीक है इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स इससे पैसे कितने बनने वाले हैं, तो थॉट वहाँ पर नहीं गया होता है, एंड दैट्स वेयर दे आर नॉट एंटरटेन बाय द इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी ठीक है। तो इस चीज़ का भी जो है ना लास्ट में हम एक ख्याल रखें बोल के ठीक है। अब एक जो आइडिया होता है आपने कैरेक्टरिस्टिक्स तो देख लिया है, तो अब टिपिकली ये आपने शॉर्ट तो पढ़ा होगा ना जहाँ आपके इसमें कि भाई स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड, तो उसका जो है आपको देखना होता है कि भाई कि आपके जो आइडिया हैं ठीक है आपने एनालाइज कर लिया कि भाई फॉल्स अंडर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यूनिक भी है इनोवेटिव भी है ठीक है, और इसमें हमको जो है ना पैसे भी बनेंगे, सब कुछ आपने एनालाइज कर लिया। अब देखना है कि अगर इसको मैं आगे बढ़ता हूँ आगे लेकर
तो वाकई ये आइडिया क्या मतलब बिजनेस में कन्वर्ट हो पाएगा, तो कैसे उसको आप करते हैं? टिपिकली जो आप स्वॉट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कि उस आइडिया को लेकर आप उसकी स्ट्रेंथ को देखते हैं, ठीक है, कि वेदर दिस आइडिया इज स्ट्रांग, ठीक है, कि यार ये जस्ट खाली एक थॉट है या ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मैं इसको उठा के लेकर आ गया हूँ, ठीक है, उसकी वीकनेसेस क्या क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या क्रिएट करेंगी वो, और उसमें थ्रेट क्या है आपको, जो है ना। और उसके लिए हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेंगे, जो है ना, ये जो है ना एक इस आइडिया की बात करते हैं और देन वील ट्राई टू असेस दिस आइडिया, और इस आइडिया को लेकर हम आगे बढ़े थे, ठीक है, एंड वी वॉन्टेड टू क्रिएट अ डिफरेंट कंपनी आउट ऑफ दिस आइडिया। और बाद में फिर जो है जब उसके ऊपर स्वॉट एनालिसिस किया गया, ठीक है, फिर ये हुआ कि नहीं यार ये जो आइडिया है ना ये काफ़ी रिस्की है और इसमें थ्रेट्स जो हैं ज़्यादा हैं, ठीक है, वर्सेस अपॉर्चुनिटीज़ के, और वहाँ पर आपने डिसीजन लिया कि भाई लेट्स पुल बैक, है ना, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम था, जब भी कोई आप आइडिया सोचते हैं ना, वो किसी प्रॉब्लम के ऊपर सोचते हैं, इजंट इट, कोई प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, जैसे हमने पहले बात की ना, तो प्रॉब्लम ये जो आइडेंटिफाई की है ना हमने, कि आप देखें कि बहुत सारे व्हीकल्स के ऊपर, एक तो बिलबोर्ड के जरिए एडवर्टाइजमेंट होता है ना, और एक जो है व्हीकल के ऊपर लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो, है ना। अब जो बिजनेसेस जो एडवर्टाइज कर रहे हैं या जो कंपनी एडवर्टाइज कर रही हैं, ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई लोग उस एडवर्टाइजमेंट को देखें, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस है कन्वर्ट होने में कि वो लोग वो बिजनेस में आए हैं ना, वो बाय करें, राइट। जैसे आपने कार का ऐड दिया या आपने वॉच का ऐड दिया है, तो ऑब्जेक्टिव तो वो होता है ना जिसने भी वो ऐड दिया है कि भाई मैक्सिमम लोग उसको देखें, और जब वो देखेंगे तब उनका माइंड शेयर बदलेगा और तब वो आके वॉच खरीदेंगे, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये ऐड का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। सिमिलरली व्हीकल के ऊपर लोग लगाते हैं ऐड। अब आप अज्यूम कीजिए कि मैं एज अ बिजनेसमैन, मैंने एक कंपनी स्टार्ट की और एक कार कंपनी को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई आप मेरा ऐड जो है अपने व्हीकल पे लगाएं, ठीक है, और मैंने उसको एक्स वाई जी अमाउंट दिया मैंने, ठीक है। अब मालूम पड़ा कि वो कार जो है दिन भर जो है, अगर जो कार ड्राइवर है दिन के 2,000 रुपये कमाता था ड्राइव करके, उसको मान लो ऐड में समहाउ डील ऐसी हुई कि वो 4,000 रुपये ऐड में कमा रहा है, तो अपनी गाड़ी ले जाके जगह खड़ी कर देगा, क्या जरूरत है मुझे गाड़ी चलाने की, है ना, ठीक है। या तो बोले चलो ठीक है, अगर मान लो आपने उस पर टेक्नोलॉजी लगाई कि भाई कितने किलोमीटर रन हो रही है, तो कुछ तो उसके ऊपर कहीं यहाँ वहाँ से घुमा के गाँव में जो है ना बीच पे घुमा के वापस में आके खड़े हो गए, है ना। जिस कंपनी ने ऐड दिया उनका पर्पज़ पूरा नहीं हुआ ना, भाई मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इस पर ऐड दिया हूँ तो कम से कम भाई मान लो दिन के मेरा अगर ये कैलकुलेशन है कि 5,000 लोग देखें 10,000 लोग देखें, है ना। या अगर आपने देखा होगा डॉट कॉम वर्ल्ड में जो एड रेवेन्यू आता था ना, या आज भी जो एड रेवेन्यू आता है वो पेपर क्लिक होता है ना, कितने लोग साइट पर आए हैं या पर विजिट होता है ना, आपने वेबसाइट बनाया तो कितने लोग विजिट किए आपके साइट को, कितने लोगों ने लिंक क्लिक किया, बेस्ड ऑन दैट रेवेन्यू शेयरिंग होती है ना, तो वेबसाइट का पता है आपको, है ना। तो सिमिलरली इस इंडस्ट्री में कि यार अभी क्या होता है कि भाई ठीक है आपने 1,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, 1,00,000 रुपया दे दो, हमारा ऐड आपकी कार में, आपका ऐड कार में डाल देंगे और वो कार जो है जहाँ जहाँ घूमेगी लोग तो देखेंगे ना, बट लोग देखेंगे वो अजम्पशन है। हाउ डू आई नो कि यार आज के दिन भर में, ठीक है, इस कार के जरिए अगर एक कार को मैं आइडेंटिफाई करूँ, इस कार पे अगर मेरा ऐड लगा है तो दिन भर में 500 लोगों ने, 1,000 लोगों ने, 5,000 लोगों ने उस ऐड को देखा, देन आई कैन जस्टिफाई ना, भाई देखो आपने मेरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए 5,000 रुपया दिया आपने ऐड देने के लिए, और पर डे जो है ना 2,000 लोग देख रहे हैं, देन इज अ वैल्यू टू मी, तब मैं ऐड दूंगा जना। आज तो बस ऐड दे दे रहे हैं और ट्रस्ट इन गॉड कि यार देखेंगे लोग जो है ना, ठीक है, कहीं बिलबोर्ड पे लगा दिया मैंने, ठीक है, लोग देखेंगे, बट एक फुल प्रूफ है नहीं, है ना, गैप है यहाँ पर ना। मैं ऐड तो दे रहा हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं कि कितने लोग जो है ना उस ऐड को देख रहे हैं। भाई कम से कम आप टीवी में ऐड देते हैं तो उनका कुछ पैरामीटर होता है ना, टीआरपी वगैरह, राइट, कि कितने लोग ने देखा, तो यू नो कि चलो ठीक है यार 50,000 लोग ने देखा तो उसमें से 100 लोग खरीदेंगे। यहाँ तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि कितने लोग देखे, बस आपने लगा दिया, उसके बाद में वो कहाँ चल रही है कहाँ नहीं चल रही है। तो ये जो एक प्रॉब्लम था ना एड इंडस्ट्री का, उसको सॉल्व करने के लिए हमने उस टाइम पे जो है एक आइडिया आया कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। बाय द वे अब इसका सोल्यूशन जो है ना इंडस्ट्री में है, कुछ कंपनियाँ आई उन्होंने सोल्यूशन निकाला, वो सोल्यूशन डिफरेंट था, है, हमने जो सोल्यूशन निकाला कि ठीक है यार उस वक्त जो टेक्नोलॉजी थी एक जो है ना RFID करके, कि भाई हम एक RFID टेक्नोलॉजी के जरिए जो है ना, ठीक है, इसको ट्रैक करेंगे, ठीक है, और हमारे फ़ोन के जरिए, ठीक है, कि
फोन में जो है ना RFID रीडर होता है, ठीक है, तो उसके जरिए जो है वी विल ट्रैक इट कि कितने लोग पास हुए, उस कार कहाँ कहाँ से पास हुई, कितने लोग के प्रॉक्सिमिटी में आई जो है ना, ठीक है। इस तरीके का हमने एक सोल्यूशन जो है ना प्रपोज किया। लेकिन अब जो आइडिया जो आया सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, उसके पर अगर आप स्वॉट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो ये हो रहा है कि भाई हम टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं, व्हाट इफ माय सेलफोन इज ऑफ, ठीक है, सिग्नल उसमें से निकला ही नहीं, तो ठीक है भाई कैसे मुझे मालूम पड़ेगा ना कि मतलब मैंने ही देखा उसको, ठीक है। तो ये था कि उसमें जो थ्रेट है कि भाई एक तो सोल्यूशन भी जो है, ठीक है, प्रॉब्लम का हमने एक सोल्यूशन तो निकाल लिया है, बट जब आपने उस आइडिया को रन किया अंडर स्वॉट एनालिसिस, तो ये आया कि भाई टेक्नोलॉजिकली देयर इज अ लॉट ऑफ थ्रेट बिकॉज इट्स नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन, ठीक है। तो वहां पे जो है ना भाई स्ट्रेंथ तो बहुत ही उसकी कि भाई ये यूनिक है, इनोवेटिव है, कोई अभी तक इस इंडस्ट्री में आया नहीं है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी काफी ह्यूज है, ना कि सिर्फ व्हीकल, आप देख रहे हैं व्हीकल है, बिल बोर्ड है, काफी कुछ ऐसे निकलते हैं ना जहां पर एड लगे होते हैं, तो एक बार आपने व्हीकल से शुरू किया तो आप बिल बोर्ड पर जा सकते हैं, आप नॉर्मल एड जा सकते हैं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी काफी थी वहां पर, लेकिन जो उसकी वीकनेस बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल वीकनेस, ठीक है, एंड उस वक्त जो है ना RFID का कुछ सिग्नल का जो है ना हेल्थ केयर का भी प्रॉब्लम था वो टाइम पे जो है, बेस्ड ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द जो रेडियो फ्रिक्वेंसी निकलती है ना, कि कुछ हेल्थ इश्यूज थे, मतलब जो है ना कि अगर आप एमिट करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी को, तो वो एक और थ्रेट था मतलब। तो उस पर हम अभी जो है उस वक्त जो है 2010-11 के टाइम फ्रेम पे उस आइडिया को तो आया, हमने एक पेन प्रॉब्लम को देखा, उस पर एक आइडिया लेकर आए, और बाद में जो है जब उसको असेस किया गया, ठीक है, यूजिंग द स्वॉट एनालिसिस, तब वहां पर पीछे हट गया कि भाई अब इसको नहीं करना चाहिए जो है ना, ठीक है। नाउ द सेम सोल्यूशन इज देयर इन द इंडस्ट्री, जहां पर जो है ना आपके आइस की जो निकलती है ना रेज, उसको ट्रैक करके जो है देन दे आर कैप्चरिंग कि कितने लोगों ने इसको देखा जो है ना, ठीक है। बट दैट टाइम इट वॉज अ RFID टेक्नोलॉजी। सो आई थिंक दिस केस स्टडी वी आर डन फॉर द पार्ट वन। आई विल ऐड, मेरे को इसमें चीज ऐड करनी है। सो व्हेनेवर आपके पास कोई आइडिया आता है ना, यू ऑल स्टार्ट डिस्कसिंग दोज आइडियाज विद योर क्लोज फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, जैसे कि एक एक्सपर्ट करके नो योर रोल, कि इसमें एक एक्सपर्ट था ना, सो यू ऑल नीड एन एक्सपर्ट गाइडेंस। आप सबसे पहले आपके फैमिली के पास जाओ, 99.9% होगा कि उनको आइडिया पसंद नहीं आएगा, ठीक है, दैट्स फैक्ट ऑफ द लाइफ। फिर आप जा सकते हो इंडस्ट्री पीयर्स के पास, कुछ बॉडीज है जहां पे यू कैन गो एंड यू कैन प्रेजेंट योर आइडिया, चेक विद एटलीस्ट 10 लोगों का, पूछो कि यार ये मेरा आइडिया है, दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई एम सॉल्विंग, क्या लगता है आपको इसके बारे में, ठीक है। मेजॉरिटी हो सकता है लोगों ने मना कर दिया, सो देन यू हैव टू रीथिंक ऑफ दैट, शायद से आइडिया नहीं चल सकता है। बहुत रेयर चांसेस हो सकता है कि चलो ठीक है सबने मना कर दिया, फिर भी आपका आइडिया अच्छा है, आप निकल जाओगे आगे, बट देन स्टार्ट डिस्कसिंग। इसमें आपको एक डर रहेगा, अरे यार कोई मैं अपने फ्रेंड को बता दिया, कभी उसने कॉपी कर लिया तो ठीक है यार, दिस इज आवर कंट्री, कॉपी तो सब जगह होगा, आप उससे उसको बचा ही नहीं सकते कि कोई आपका आइडिया कॉपी ना करे, बट डिस्कस इट, बिकॉज उससे आपको पहले ही पता चल जाएगा, प्रिकॉशन से पहले ही ले सकते हो कि आपको इस आइडिया को लेके आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। डोंट वेस्ट योर टाइम। देखो बहुत सारे लोग पैशनेट होते, कह रही तो मेरा आइडिया है यार, कैसे मैं इसको छोड़ दूं, कैसे मैं इसको ये करूं, बट डोंट वेस्ट योर टाइम। आइडियाज आ सकते, बहुत सारे आइडियाज होते, इफ इट्स नॉट वर्केबल लीव इट, दैट्स माय ओनली सजेशन, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस, चलो अब क्वेश्चंस लेते हैं, क्यों नहीं करते हैं जो ना, तो उसमें क्या रहेगा कि थोड़ा सा जो चीजें पॉइंट्स छूट गई है ना, जो सो गए हैं वो जाग भी जाएंगे, उसमें जो है ना जो सो गए वो जाग भी जाएंगे। क्वेश्चंस चलो लेट्स हैव, या सर यू मेंशन दैट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इन लॉन्ग टर्म, there should be profitability in long term, but there are chances of getting copied the same stuff, and even if it's a product or a service, the life of the product and service is very short now in these things, so how can we have a more profitable business out of our idea? Jab ideas aate hain na, theek hai, agar aap past mein bhi review karo, theek hai, ki theek hai copyable to rehta hai, theek hai, lekin agar aap ki jo characteristics of ideas hain, अगर उसमें वाकई वो जो नीड एड्रेस कर रही है और आपने उसके ऊपर अच्छा जो है ना स्वॉट एनालिसिस किया, आपने असेसमेंट किया और आपने कहा कि ठीक है दिस इज यूनिक आइडिया, आई मस्ट गो अहेड विद दिस, ठीक है। अब इसको मैं एग्जांपल के जरिए आपको बताऊंगा जो है ना, ठीक है, कि जो हम लोग की एक स्टार्टअप है जो सर ने बताया था ना अभी, हमारे उमर सर ने, ठीक है, कि हम लोगों को एक आइडिया आया था, ठीक है, और उस इन्वेस्टमेंट पिच में जो है ना इट विल गिव अ मोर एलाबोरेट, आपको नॉलेज मिलेगा कि वो आइडिया को कैसे हमने कन्वर्ट किया, ठीक है, इन अ लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बिजनेस में, ठीक है, कि जब आप किसी भी चीज़ को जो है ना, ठीक है, जो पेन एरिया है
उस पर आपने आइडिया को लेकर आया एंड देन यू आर डूइंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसका आपने पेटेंट कराया, ठीक है, और जब आप उसको मार्केट में लेके जा रहे हैं जो कि यूनिक प्रोडक्ट है, ठीक है, और आप अगर ऑलरेडी 4 साल उस पर डाल चुके हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली अगर किसी और को भी मार्केट में अगर आना हो, ठीक है, तो उसको भी 4 साल डालने पड़ेंगे, या हो सकता है आपसे रिसोर्सेज ज़्यादा उसके पास में हो तो 2 साल। लेकिन जब अगर आपका आइडिया प्रूवन हो गया है और आप मार्केट में यू आर द मार्केट लीडर नाउ, आप उसको लेके आगे बढ़ गए हैं, तो आपके भी रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, यू आर स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट ना, वो तो अभी कॉपी करके आगे आ रहा है ना, लेकिन आप लीडर बन चुके हो उस टाइम तक, तो आपके पास में रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, तो नाउ यू कैन फर्दर ग्रो, इस तरह से यू कैन किल द कॉम्पिटिशन, और इफ नॉट यू कैन ऑलवेज नंबर वन इफ योर आइडिया इज रियली, जो बताया ना कि आपका यूनिक होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, और आप वो चीज़ें आपको मार्केट लीडर बनाएगी। आपने सिर्फ कॉपी किया है किसी से तो आपको भी डर है कोई और कॉपी करेगा, इजंट इट? अगर इनोवेशन है तो आपने इनोवेशन में टाइम लगाया ना, रिसर्च किया, उसको पेटेंट कराया, तो उतना टाइम तो उसको भी लगेगा। फिर आपका एक प्रोडक्ट बना, अब उस प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में जा रहे हो आप, ठीक है, तो देन डेफिनेटली इट विल बिकम अ प्रॉफिटेबल, अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस। बट इफ इट इज जस्ट लाइक यू नो अ कॉपी ऑफ सम अदर पर्सन, तो फियर रहेगा हमेशा, यू अंडरस्टैंड? तो इफ इट इज अ इनोवेटिव आइडिया, इज अ यूनिक आइडिया, आपने इस पर अच्छा एफर्ट डाला है, उसको पेटेंट कराया है, यू आर एबल टू कन्वर्ट दिस इनटू अ गुड बिजनेस, ठीक है। एनी बिजनेस स्टार्ट होता है स्मॉल से, हम ये नहीं कह रहे कि पहले दिन आपको यू बिकम अ बिग मल्टीनेशनल फर्म। स्टार्टअप करते हैं और आप जब नंबर एक पे है ना, तो पीछे तो लोग आएंगे, ठीक है, लेकिन वो गैप आपको मेंटेन करना होता है और वो गैप को बढ़ाना होता है, अभी कोई आ रहा है तो आप और स्पीड बढ़ाओ आप अपनी, है ना। तो दैट्स हाउ लाइक यू नो मल्टीपल, और उसको जो बिजनेस स्ट्रेटजी कहा जाता है, ठीक है, कि भाई कोई आया आपका कॉपी करके, ठीक है, आपने और उसको एक्सपांड करने के लिए, अभी आपने जो एड्रेस कर रहे हो इंडियन मार्केट कर रहे हो, किसी ने कॉपी किया आपको, आप इमीडिएटली अपनी स्ट्रेटजी चेंज किए, आप फॉरेन मार्केट में चले गए कि लेट मी स्टार्ट सेलिंग दिस इन टू वेस्टर्न मार्केट, है ना। तो आप भी अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते करते हमेशा अपने आप को आगे रखोगे, एंड दैट्स हाउ यू विल ग्रो योर बिजनेस टू मेक इट अ बिग वन, राइट? एंड सी, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ जर्नी, इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट सक्सेस कि आपने आज स्टार्ट किया कल से यू स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यूज। सो थिंक ऑफ, ऑब्वियसली यू हैव टू थिंक फॉर अ लॉन्ग रन। देखो, देयर आर फ्यू बिजनेसेस जो रेवेन्यूज जल्दी स्टार्ट करते हैं जनरेट करने के लिए, बट देयर आर फ्यू बिजनेसेस जो 3 साल 4 साल 5 साल बाद में दे क्लेम कि हाँ भी हम सक्सेस हुए। सो थिंक वो तो लॉन्ग रन का ही, इट्स अ गेम, इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट आपको कुछ हो जाएगा। यस, एनीथिंग? You said an idea can be a realistic with a clear focus. You told about the characteristics, but don't you think acceptability of the idea is also important? Acceptability by whom? Acceptability by the society. You have to discuss with the people. See, I'll tell you. मैं आपको एक process बताता हूँ. So there are few terms जो use करते हैं हम लोग हमारे जब भी हम किसी investor को pitch करते हैं जो भी है. एक term होता है जिसको कहते हैं POC, which is known as proof of concept. ये वो स्टेज होता है। सी, आज से कुछ साल पहले इन्वेस्टमेंट वाज इजी कि मतलब आप चलो अगर आपका आइडिया प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लेवल पे है तो आपको फंडिंग मिल जाती थी। अभी आपको एक लेवल ऊपर जाना होता है जिसको बोलते हैं POR, दैट इज प्रूफ ऑफ रेवेन्यू। तो अगर आप रेवेन्यू जनरेशन हो तब आपके चांसेस आर वेरी हाई कि आपको इन्वेस्टमेंट फंडिंग आपको किसी इन्वेस्टर से मिल जाए। तो आप जब सी POC इज लाइक आपके पास कुछ कंज्यूमर्स या कस्टमर्स है जो आपकी सर्विस को यूज कर रहे हैं। कोई प्रोडक्ट है तो आपने उनको सेल कर दिया, दे आर यूजिंग योर प्रोडक्ट और आपको वो फीडबैक दे रहे कि आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये आपकी अच्छाई है, ये आपकी बुराई है। सो आपको यू हैव टू डिस्कस दिस एंड यू हैव टू रीच एटलीस्ट POC लेवल पे आपको आना ही आना है। वो आएगा आपको आपका सी जब आप अपना आइडिया स्टार्ट करते हो, आपको पता है कि ये मेरा मार्केट है, ठीक है, आप उस मार्केट में जाते हो, 4-5 लोगों को पकड़ते हो कि यार ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा सर्विस है, तो उसको यूज कर, भले आपको फ्री में देना पड़े। आप बहुत सारे सर्विसेज देखो कि इनिशियली वो लोग फ्री में देते, व्हाई? बिकॉज वो टेस्ट करना चाहते हैं कि मार्केट रेडी है कि नहीं है उस चीज के लिए, देन दे डिसाइड कि अच्छा इस प्रोडक्ट का या इस सर्विस का इतना कॉस्ट होना चाहिए। तो आप इसी तरह जाके अपने मार्केट में जाके भले स्टार्टिंग में 5-10 लोगों का फ्री में दे दो, POC पे आप आ जाओगे तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि अच्छा मेरे को अपने प्रोडक्ट में और क्या चेंजेस करने, किस तरीके से मेरे को उसका प्राइसिंग करना है। So that's the POC stage. So what I was trying to say, there are some products of which passed the initial test, they got the good response, but they failed when they came into the market. Then see, what a company should do? एक बात इनका भी बता रहा हूँ, as he said के innovation and entrepreneurship goes hand in hand, ठीक है? आप अगर आपके एक idea जब किसी भी level पे start करते हो, innovation should be done daily. I'll give you, मैं एक अपना personal example देता हूँ. मैं एक startup के साथ में associated हूँ. They are making a heads up display. कार पे आप देखोगे यूजुअली प्रॉब्लम ऐसा होता है कि योर आपका जो सिस्टम होता है वो यहाँ पे होता है एंड आप जब ड्राइव कर रहे हो
कुछ अगर चेंज करना है, कॉल आ गया है, आपकी जो नजरें हैं वो हट जाती है सामने स्क्रीन पे से. व्हेन यू डाइवर्ट टू एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. व्हाट जो स्टार्टअप जिसके साथ मैं एसोसिएटेड, वो क्या कर रहा है कि वो पूरा डिस्प्ले आपके स्क्रीन के सामने लेके आ रहा है, तो आपकी जो नजरें हैं वो हटेगी नहीं यहाँ पे. जो भी चीज है, कॉल्स, एसएमएस, वॉइस इंटीग्रेटेड, आप कुछ भी बोलोगे वो रिकॉग्नाइज कर लेगा एंड इट कैन सेंड टेक्स्ट मैसेजेस, नेविगेशन, कुछ भी है, सारे के सारे फीचर उसके अंदर है. बट दैट स्टार्टअप इज नॉट येट लॉन्च्ड. हमने उसका एक मार्केट रिसर्च भी किया, सब कुछ किया था, बट अभी तक पिछले एक साल हो चुके हमने लॉन्च नहीं कर पाए. वन रीजन, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज समथिंग एवरीडे कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है. आप आज कुछ डेवलप करो, कल कुछ नई चीज आ जाएगी, आपको कुछ दूसरा उसमें करना पड़ेगा. सो इनोवेशन इज समथिंग जो आपको एवरी टाइम, आपको भले किसी भी स्टेज पर अपना आइडिया स्टार्ट किया हो, इनोवेशन आपको एवरी डे करना होगा. सो अगर इनोवेशन कैसा होगा, मैंने आपको प्रोडक्ट यूज किया, मैं आपको बोल रहा हूं ये आपके प्रोडक्ट में अच्छा नहीं है, आपको इसकी जगह पे ऐसा करना चाहिए, देन यू डिस्कस, आपके मेंटर्स होंगे जो एक्सपर्ट होंगे, उनको बोलोगे अच्छा ये ऐसा फीडबैक आया हुआ है, इसके अंदर अपन क्या अलग से कर सकते हैं. सो देन यू गेट अ रिस्पॉन्स, यू इनोवेट, यू गो अहेड, चैलेंजेस एवरी डे आएंगे. जस्ट टू ऐड, जो है ना, देखो जैसे जब आप इनोवेशन करते हो ना, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है ना कि जैसे बताया कि भाई कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना रिस्क लेता है वो, ठीक है, और उसको फेलियर के लिए जो है ना प्रिपेयर होना होता है. और कभी कभी आप सारा सब कुछ कर लेते हो, ठीक है, आपने असेसमेंट कर लिया, आपको लगा सब कुछ अच्छा है, इवन सोसाइटी ने भी मतलब जो है ना एक्सेप्ट कर लिया, आपने उसको POC बनाया, POR बनाया, सब कुछ किया, ठीक है. और मैं एग्जांपल दूं जो है ना कि हम जो भी आज नंबर वन पे जो सोशल मीडिया है, ठीक है, उसका लॉन्च 2007 या 2008 के बाद में हुआ है ना, ठीक है. उसके बहुत पहले ये हमें एक ऐसा काम आया था कि किसी को ये थॉट आया था US में, ठीक है, कि वो चाह रहा था भी कि US में जो 5,000 यूनिवर्सिटियाँ हैं, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो मान लो एक बच्चा अगर वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में है और दूसरा बच्चा अगर बेटा है जैसे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में और सिएटल यूनिवर्सिटी में, तो अगर वो लोग सेम ही ब्रांच में है जैसे इंजीनियरिंग में है और उनको आपस में जैसे नोट्स एक्सचेंज करना है, ठीक है, तो कैसे करें. तो उन्होंने एक आइडिया निकाला कि भाई चलो हम लोग अगर एक ऐसा बनाते हैं पोर्टल, ऐसा वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पर ये लोग जो है ना आपस में कनेक्ट हो सकें और यूजफुल इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, जैसे नोट्स हुए अपने जो है ना, या भाई वहाँ जैसे इवन स्टूडेंट को भी कार चाहिए होती है ना, बेसिक नीड है, ठीक है, कि किसी के पास में सेकेंड हैंड कार है, उसको बेचना हुआ, ठीक है, बट समबड़ी जो है ना वो जैसे बॉम्बे का उसको पूना में खरीदना है, तो कैसे हम ये लोगों को आपस में कनेक्ट कर सकें, ठीक है, कनेक्ट करके आपस में ट्रांजेक्शन कर सकें. अगर आप देखें तो आज की जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं सोशल मीडिया फॉर आर पर्सनल यूज जो है ना, ये आइडिया उसको उसके पहले आया था, लेकिन वो फेल हुआ. क्यों? बिकॉज ही वॉज अहेड ऑफ टाइम, वक्त के वो पहले था, जब इंटरनेट का पेनिट्रेशन इतना नहीं था, उसने बना दिया और एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर हमने बनाया. और जब लोगों ने यूज़ करना शुरू किया तो हमने कहा यार ये तो इसके पहले हम बना चुके हैं, ठीक है, लेकिन बेचारा वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया. ऐसा नहीं था, बिल्कुल टॉप वन गाय, मतलब एक्स माइक्रोसॉफ्ट बंदा था, ठीक है, एक्सपर्ट इन मार्केटिंग, ठीक है, सब कुछ था, लेकिन चूंकि वो अहेड ऑफ टाइम था, उस वक्त इंटरनेट पेनिट्रेशन इतना नहीं था 2005-06 के टाइम फ्रेम में, तो सेम आइडिया जो सोशल मीडिया अभी का है वो उसका अप्लाई नहीं हो पाया, फेल हो गया वो जो है ना. तो वहाँ पर जो रीज़न था कि वॉज अहेड ऑफ टाइम, वक्त के पहले जो है ना. तो और ये तो है ना कि भाई अगर वक्त के पहले आप कोई भी काम करो तो वो भी रिस्क होता है ना, वैसा है, ठीक है. तो आपने बोला कि वही टेक्नोलॉजी, वही सॉफ्टवेयर आपने पहले ऑलरेडी इनोवेट कर दिया था. तो जब सोशल मीडिया, जब एक्चुअली जब इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर्म में आया तब उनका बूम हुआ. तो ऐसा नहीं हो सकता सर, अगर पहला जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया था वो पेटेंट कर दिया हो तो बाद में उससे आपको कुछ फर्क पड़े ऐसा कुछ? अब देखिए, हमने जो बनाया था ना वो ये किसी और का आइडिया था, एंड एज ए सॉफ्टवेयर कंपनी इन इंडिया वी बिल्ड द एंटायर रिमर एसेट की हमने कंपनी स्टार्ट की एज ए आर्किटेक्चर सर्विसेज कंपनी, अब बाद में पूरा सॉफ्टवेयर बनाया, तो वो किसी और का आइडिया था. लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने पैटर्न कर दिया होता जो है ना, ठीक है, अगर उन्होंने उसको पैटर्न करवा कर और सोचा होता कि बाद में जो है ना, तो मेरे ख्याल से उस टाइम पर उन्होंने वो डिसीजन नहीं लिया. तो एज एन एंटरप्रेन्योर जो है ना, उन्होंने कहा कि ठीक है यार, आई थिंक वी कोलैप्स्ड. अब मुझे पता है कि मतलब जब वो शटडाउन कर रहा था कंपनी, तो ही हैड टू सेल हिज कार टू पे अस, ठीक है. तो अब जब इतना वो बैंकरप्ट हो गया, हो सकता है पेरेंट का आइडिया आया हो लेकिन अब कुछ और ना बचाओ बेचने के लिए, ये भी हो सकता है ना, ठीक है. आइडिया ना भी आया कि आदमी एक बार जब ये हो गया ना, तो उसने बोला ठीक है यार, आई थिंक वी मेड अ मिस्टेक टू कम अप विद दिस आइडिया, वी कुड नॉट पेनिट्रेट इन द मार्केट, सो लेट अस स्टॉप दिस एंड जस्ट मूव ऑन टू डू समथिंग एल्स.
तो कुछ और करने चले गए जो है ना, और उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया। और सर जैसे कि सर ने बताए थे कि आपको आइडियाज डिस्कस करना चाहिए ऑलमोस्ट एटलीस्ट 2-10 पीपल एटलीस्ट, तो सर जो तो उसमें ऑब्वियसली रिस्क तो होता है कि कॉपी होने का, तो सर वो पेटेंट कराने का प्रोसीजर आप बता सकते हैं कि कैसे उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं कॉपी होने से? वो आगे है, पेटेंट का आगे है, ठीक है। लेकिन पेटेंट के अलावा एक और है ना, जैसे बहुत से लोग अभी क्या करते हैं ना, जो मैंने ट्रेंड देखा है कि जो यंग जनरेशन है ना जिनको आइडियाज आया, तो आजकल ना वो NDA करके कहते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, वो साइन कर लेते हैं, ठीक है। और लोगों का माइंडसेट हो गया कि ठीक है यार NDA साइन कर दो, बिकॉज बच्चा जो है ना डर रहा है कि ऐसा ना वो आइडिया शेयर करे, ठीक है, और हम कॉपी कर लें, तो वो माइंडसेट हो गया कि ठीक है विल साइन द NDA एंड देन विल गो अहेड, जो है ना ऐसा है, तो NDA साइन करके जो है ना वो रिस्क चला जाता है। Before starting a business, should I have a corporate experience or because you is also have some experience before starting a startup also? So should I go into corporate and get some experience so that in future if there is a problem, so that I will be having some before only experience for that? अभी नाज़िम ने बात कर रहा है। Very short tenure, so you should be the better position to answer. ठीक है, तो जो आंसर दीजिए है ना, ठीक है, जो हमारा एक्सपीरियंस है कि हमने पहले जॉब किया उसके बाद में आए, ठीक है। लेकिन आप देखोगे आज से 20 साल पहले जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम जो है ना वो नहीं था, राइट। अभी जो हम लोग कर रहे हैं विद गोबीज लैब, जो हमारा ये जो नया सेटअप है, नई कंपनी है, उसमें बोथ ऑफ अस आर द डायरेक्टर्स, ठीक है, दो वी रन आवर ओन कंपनी, CEO ऑफ ऑक्टोवेयर, CEO ऑफ IEC, लेकिन एक विजन को लेकर कि हमें जो यंग माइंड्स है ना उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को जो है डेवलप करने के लिए ये हमने नई एंटिटी शुरू की है, ठीक है। तो आज जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना, और जो इस कोर्स का भी ऑब्जेक्टिव हमारा जो वर्कशॉप कर रहे हैं, कि अगर आप मुझसे पूछोगे, ठीक है, तो आज की तारीख में जो इकोसिस्टम बन गया है, ठीक है, जो एनवायरमेंट आ गया है ना कि वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ही फर्टाइल है, ठीक है। तो अगर आप में वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ज़ील है, ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि भाई यू टू स्टार्ट नाउ, जो कल्चर आ गया है स्टार्टअप का, एनवायरनमेंट का जो है ना, और इसीलिए हमने ये जर्नी भी शुरू की है गोबीज लैब जो है ना, टू हेल्प द स्टूडेंट टू बिकम एन एंटरप्रेनर, कि अभी आपके पास में वो टाइम है और बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, ठीक है, यू कैन टेक अ रिस्क नाउ। आज आप रिस्क ले सकते हो जो है ना, आपके पास में nobody is एक्सपेक्टिंग यू राइट यू नो टू मेक सम मनी, ठीक है, और अभी से फेल होना वो बेहतर है देन आप उस वक्त फेल हो जब आपके साथ में दो बच्चे भी हो, राइट, दैट बी मोर रिस्कियर जो है ना, ठीक है। If I fail at that time, is there that will be a little bit chance that I can settle that time? But at the start only, if I am not having, I have spent my 15 years of my life at the start only in my startup, and if it fail badly. मैंने क्या कहा कि सिर्फ fail is a learning. Remember that fail is a learning. तो आप इस mindset से कि भाई मैं अगर fail हो गया, देखो अगर 20 साल पहले अगर आप fail होते ना, तो लोग कहते कि एकदम से gone कैसे, right? Failure was a bad tagline. The other 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, आज के उसमें अगर आपने एक स्टार्टअप शुरू किया, ठीक है, तो इनफैक्ट वही हम जब गोबीज लैब का हम जब इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप करते हैं ना कॉलेजेस में, ठीक है, तो एज ए स्टूडेंट अगर आप जैसे 2 साल आपने स्पेंड किया और आप उस जर्नी में फेल हो गए, नाउ वो फेलियर से आपको लर्निंग तो मिली, बट देन यू बिकम अ वेरी गुड पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द कंपनीज टू हायर यू। आपकी जो बाद में जॉब ही करना है ना आपको, अगर मान लो फेल हो गए और अब ये हुआ कि आप मुझे बिजनेस नहीं करना है, तो जॉब पे जाना आपको, तो जॉब के लिए यू बिकम अ बेटर कैंडिडेट, क्योंकि एक कंपनी जो है ना वो ये सोचती है कि यार इसने कुछ सीखा है, ठीक है। तो अब जो है ना जो आजकल का जो इन्वायरमेंट है, इवन लकीली हमारे जो इंडिया में भी चेंज हुआ है, तो अगर आपने 2 साल एक स्टार्टअप चलाया और फेल हो गए, नाउ लेट्स से आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, now I'm not going to look at it as a negative remark on you, in fact it will be converted into a positive remark, ki chalo isne 2 saal kuch to try kiya hai, kuch seekha hai isne, aur us seekh se wo jo hai na hamari company mein value add karega, so you will be preferred than the other people who are coming and seeking the job, to ab wo jo hai na as a ek embarrassment nahi hai wo failure, now it's a learning. इससे मैं ऐड करता हूँ, मेरा बहुत शॉर्ट टेन्योर रह चुका है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आई वाज एक्सपेक्टिंग सम डिफरेंट आंसर फ्रॉम हिम, इसके लिए मैंने पहले आंसर नहीं किया, बट मेरा बहुत शॉर्ट टेन्योर रह चुका है कॉर्पोरेट में, एंड व्हेन आई स्टार्टेड माय एसोसिएट, आई एम, जब उन्होंने बोला था आई एम द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, मेरे इसमें अगर मैं बिजनेस मेरे घर पे बोलूँ तो बोलेंगे अच्छा ये क्या होता है, सो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट समथिंग ऑन माई ओन, उसे वन, सो आई स्टार्टेड एज अ सेल्स पर्सन,
ठीक है, तो मैं अगर सेल्स में होता क्या करता, आई वुड बी द फर्स्ट रेन मेकर जो इन्होंने कहा था. बट जब मैं, इंसान को स्विमिंग कब आता है, जब पानी में धक्का दे दो, तो मैं गिर गया था पानी के अंदर. और जब गिरने के बाद में मैं बाकी की सारी चीजें सीखा, जो आपका अगला कंडक्टर था, एक्सपर्ट था, तो ये सारी चीजें जब मैं उसके अंदर गया तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये ऐसा होता है, ऐसा होता है. एंड एंटरप्रेन्योर हैज टू बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आपको सब आना चाहिए. सी, वो भले तीन चीजें हम एक उसमें बताते हैं, बट एट अ लेवल आपको सारी चीजें आनी चाहिए. दैट्स इंपॉर्टेंट, भले स्टूडेंट स्टडीज को लर्न करो, आपको आनी चाहिए. सेकेंड, फेलियर. अगर आप इस जर्नी में हो, आप सक्सेस को सेलिब्रेट करते हो, यहाँ पे आने के बाद में आपको फेलियर को सेलिब्रेट करना पड़ेगा. बिकॉज एवरी फेलियर एज यू सेड गिव यू अ गुड लर्निंग, और वो लर्निंग आपको कोई नहीं दे सकता, वो फेल करने के बाद ही आपको पता चलता है. सो स्टार्ट अर्ली. देखो मैं आज भी बोलता हूँ ना कि यार मैंने क्यों लेट स्टार्ट किया, भले मैंने स्टार्ट थोड़ा जल्दी कर दिया था, बट स्टिल आई रिग्रेट कि अगर मैं कॉलेज में होता उस टाइम पे स्टार्ट करता, आई वुड हैव डन अ बेटर जॉब. ठीक है, सो स्टार्ट अर्ली, दैट्स एडवाइस फ्रॉम मी, फ्रॉम बोथ ऑफ अस एक्चुअली. यस सर, आपने बताया कि वी नीड रेन मेकर, कंडक्टर एंड देन एक्सपर्ट. सर, इन केस कोई बंदा रेन मेकर होगा एंड ही हैज एन आइडिया एंड उसको कोई को फाउंडर चाहिए होगा हु इज एन एक्सपर्ट, सो वेयर डू वी फाइंड एन एक्सपर्ट एट दैट टाइम, और एन एक्सपर्ट हाउ डज ही फाइंड अ कंडक्टर और रेन मेकर एट देन. ठीक है, अब इसमें जो है ना, जैसे जो हम गोबी लैब कर रहे हैं ना, सो दैट्स एग्जैक्टली द आवर ऑब्जेक्टिव जो है ना, कि हाउ डू वी क्रिएट दैट इकोसिस्टम. ठीक है ना, कि भाई अगर एक रेन मेकर है, उसके उसमें आइडियाज हैं, तो वन ऑफ द थिंग्स जिसे इसमें भी नॉलेज, को फाउंडर, उसके अलावा जो है ना कि बहुत सारे फोरम्स भी हैं. ठीक है, आप क्या करते हो, मतलब जो ना कि भाई आपको अब एक तलाश है ना किसी की, अपनी लाइफ में बेसी करते हैं ना, हम जब पढ़ लेते हैं उसके बाद में जब आप अपनी लाइफ में सेटल होने जाते हैं तो किसी की तलाश होती है ना, टू सेटल योर लाइफ. देन यू डू सर्चिंग, राइट, यू हैव सर्टन क्राइटेरिया, है ना. मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ, है ना, यू सेट सर्टन क्राइटेरिया ना, कि भाई वो अगर मान लो आप लड़के हैं तो लड़की कैसी होनी चाहिए, ऑल दिस थिंग, है ना. यू सेट सम क्राइटेरिया एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग अराउंड, इजंट इट. यू फर्स्ट मीट इन विद इन अ नेटवर्क, आपके जो घर वाले हैं ना. तो इसी तरह जब आप ये करते कि अच्छा ठीक है, आई एम गुड रेन मेकर, तो ये सबसे अच्छी बात है कि समटाइम्स पीपल आर कन्फ्यूज कि हु एम आई, मुझे कौन चाहिए, राइट. लेकिन आप में अगर एक क्लियरिटी है कि आप एक रेन मेकर हो, यू हैव अ गुड आइडिया, नाउ यू वॉन्ट सम, लेट्स से एक्सपर्ट गाय, ठीक है, तो आप मल्टीपल, जैसे आजकल जो सोशल मीडिया है, डिफरेंट फोरम्स हैं, डिफरेंट नेटवर्किंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, डिफरेंट एग्जीबिशन में जाते हैं आप, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं आप, ठीक है, देर आर स्पेशल लाइक यू नो ऐसे सब बिजनेस बन चुके हैं कि आपको को फाउंडर मीट कराते हैं वो, राइट. अब जैसे अभी जो इनका है IEC मीट जो है ना, जिसमें कितने अराउंड 1500 एंटरप्रेन्योर्स आर द मेंबर्स, ठीक है, तो जब इनका जब कॉन्फ्रेंस होता है तो वहाँ एंटरप्रेन्योर्स तो आते हैं, aspiring entrepreneurs भी आते हैं, तो what you do, you go and attend those conferences, isn't it? And then you try to explore, कि जब आप वहाँ जाते हैं तो ऐसे और भी लोग आते हैं ना, कि कोई एक्सपर्ट आएगा कि यार आई एम अ गुड एक्सपर्ट, मैं तो टेक्नोलॉजी में इतना एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, लेकिन यार आई डोंट नो हाउ टू सेल, आई एम शाई टू टॉक जो है ना, तो लेट मी गो एंड सी अगर कोई मिल जाए मुझे, तो जो आप तलाश कर रहे हैं वो काउंटर पर कोई और ढूंढ रहा है. दैट्स हाउ यू मीट पीपल, जो है ना. सो देर आर वेरियस स्ट्रेटजीज वेर यू कैन फाइंड द को फाउंडर्स, जो है ना. Anything else? Sir, I have an idea also for the business idea. Sir, I have seen some companies and B-schools also, they have started some that they will be promoting for the idea and they will be giving some competition like thing. So what do you think, should we enter in such competition or not? Because there is a high chances also that most of them are also trying to start their startups also. So in such case, we should enter or not, so that because there is a high chance that our idea can get leak also. अरे मैं तो बोल रहा हूँ, copy हो रहा है तो होने तो अच्छी बात है. It's good for you कि copy हो रहा है, because then only, देखो जब तक आप अकेले चल रहे हो ना, तो आपको लगेगा अरे चल ठीक है मैं आराम से चलता हूँ. But when if you have competition, तो आपके अंदर वो एक अलग से, क्या वर्ड अपने गूगल पे करके निकालते, जज्बा, है ना, एक अलग से पैशन का, एक अलग से जज्बा आ जाएगा कि आप और कुछ इनोवेट करना चाहोगे उसके अंदर, कि अरे यार ये और मेरे पीछे चार कंपटीशन है, मैं इसमें और क्या अलग करूँ कि मैं इनसे आगे निकल जाऊँ, मैं और क्या अलग करूँ कि इनसे आगे निकल. जी कॉपी तो होना है, उसको तुम रोक ही नहीं सकते. नो अदर वे दैट यू कैन स्टॉप योर आइडिया फ्रॉम एनीबडी टू कॉपी दैट आइडिया. यू शुड एंटर दिस कॉम्पिटिशन, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा था कि 5 या 10 लोग हैं जो आपको एक सजेशन देते कि कर नहीं कर. सो दैट इज द बेस्ट
प्लेस जहाँ पे यू गेट गुड ज्यूरी मेंबर्स और गुड पीपल जो वहां पे आके आपको जज करते हैं, दे गिव यू अ गुड फीडबैक, यार आइडिया चलेगा कि नहीं चलेगा. यू शुड गो ट्राई करो कि वो क्लोज रूम डिस्कशन हो, कि जिसमें आप हो, चार पांच ज्यूरी मेंबर्स बैठे और आप वहां पे डिस्कशन कर रहे हो. ठीक है, अगर क्लोज रूम नहीं भी है, जाओ बिंदास यार, आपको वहां पे सीखने को मिलेगा कुछ, आपके अगर उसमें फ्लॉज है तो आपको सीखने को मिलेगा. सो माई सजेशन की आपको जाना चाहिए वो सब कॉम्पिटिशन में. एनीथिंग दैट अगर आप अपोजिट बोलना चाहो तो. नहीं, जिसे उन्होंने कहा आई एग्री विथ हिम. ठीक है, कि आप जो है ना आइडियाज में पार्टिसिपेट करना चाहिए. और अगर सी आप ये सोचो ना कि अगर ऊपर वाले ने आपको ये दिया कि आपके माइंड में आइडिया आया, एक कॉपी हो गया दूसरा भी आएगा ना फिर, राइट? तो आप उससे क्यों डर रहे हो कि जो है ना अगर एक चला गया तो बस वो एक ही आएगा आपके दिमाग में, दूसरा भी आएगा ना. आप में वो काबिलियत थी, वो था, तभी तो आपको आइडिया आया ना. वो एक चला गया, मान लो ठीक है किसी ने स्टील कर लिया, दूसरा भी आएगा, राइट? तो दैट्स हाउ यू शुड थिंक इन अ पॉजिटिव वे, जो है ना. ठीक है, सपोज आर इंडियन इकोसिस्टम, माय फैमिली, मेरी फैमिली है, या फिर पूरा इकोसिस्टम ऐसा है कि मैं जॉब ही करूं, क्योंकि हमारे माइंडसेट में ऐसा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा बना दिया गया है कि हम सिर्फ जॉब ही करें, तो वो कैसे ओवरकम करें? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अगर एक बार बना लिया है कि दिमाग में सिर्फ जॉब करना है, तो वो चेंज नहीं होता सर. ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी ट्रिमेंडस. अब इसमें देखो, जो अभी ये जो हम जब इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप कर रहे हैं ना कॉलेजेस में जाके, तो वहाँ पर हम स्टूडेंट को इनवाइट करते हैं, ठीक है, एंड वी गिव अ प्रेजेंटेशन. ठीक है, और उसमें जो है ना, हम एक चीज़ जो है कि भाई आपको जो एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है, तो क्यों बनना है, एंड चाहिए. तो मैं एक थ्योरी है साइमन स्निक की, कि भाई आप अगर एक बार जो है ना वो, ठीक, आप कह रहे हैं कि आपको सबकॉन्शियस माइंड में जॉब करना है क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना है, घर का बैकग्राउंड वही है, ठीक है, बट द मोमेंट यू रियलाइज कि यार व्हाट इज पर्पज ऑफ माय लाइफ, कि मैं सिर्फ आके यहाँ पर जो है ना अपना कमाऊँ, ठीक है, मेरे बीवी हैं, मेरे बच्चे हैं, ठीक है, अपना एक घर है, और बस आफ्टर एक्स नंबर ऑफ ईयर्स चलता बनूँ, ठीक है, या देर इज अ डिफरेंट पर्पज ऑफ माई क्रिएशन. किस लिए, मतलब आपको जो है ना, आपको जो इनर जो है ना सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, जैसे आपका इनर ये बोलेगा नहीं यार कि मतलब आज आप यहाँ पर यू आर डूइंग मास्टर्स इन योर ये जो है ना, ठीक है, तो जॉब ही करना था तो बहुत पहले कर लिया होता, अब आप अच्छा जॉब करोगे बोल के, ठीक है, लेकिन आपकी ज़िंदगी से किसी और को क्या फ़ायदा हो रहा है, राइट? तो वेन यू स्टार्ट स्टिम्युलेटिंग दैट जो है ना कि यार देर इज़ अ डिफरेंट पर्पज ऑफ माई क्रिएशन, मैं सिर्फ यहाँ पर जो है ना एक जॉब के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है, आई एम डिफरेंट देन अदर्स, ठीक है, एंड यू वॉन्ट टू बी डिफरेंट देन अदर्स, राइट? आप हमेशा जो है ना कि जैसे ना हम अपना हेयर स्टाइल अलग करते हैं, ड्रेसिंग अलग करते हैं ना, वाई? कभी अगर मालूम पड़ा मैं भी ग्रीन शर्ट पहन के आ गया, क्या ये क्या हो गया जो है ना, यू फील लिटिल ऑकवर्ड ना इफ यू लुक सेम, राइट? ऐसे होता है ना, तो आपकी इंटरनल चाहत होती है आपको एक हटके होना है. तो सेम चीज़ भाई, जॉब तो भाई पापा भी कर रहे थे, मम्मा भी कर रहे थे जॉब, हर एक लोग कर रहा है, तो वाई कान आई डू समथिंग डिफरेंट विच हैज़ अ डिफरेंट इम्पैक्ट, राइट? और उसके हम जो है ना मतलब एक वाई के ऊपर काफी देर तक बात करते हैं, क्यों आपको एंटरप्रेनशिप करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, यू आर सर्वाइविंग योर लाइफ, यू आर सपोर्टिंग योर फैमिली, बट व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, टू ग्रो योर नेशन? व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू डू समथिंग फॉर योर कंट्री? क्या कर रहे हैं आप, राइट? तो डू यू थिंक लाइक यू नो वो थॉट हमारा होना चाहिए जो आज से 20 साल पहले था, 40 साल पहले था, कि अपने लिए सर माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फैमिली बैकग्राउंड, इकोसिस्टम ही स्टार्टिंग से ही इको सिस्टम सपोर्ट नहीं करता. सपोज मेरे पास आइडिया है, आगे इको सिस्टम हेल्प कर रहा है, बट इनिशियल जहाँ से एंटरप्रेनर निकलना चाहिए वहाँ से इको सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा. जैसे इंडियन इकोनॉमिक, इसीलिए बोलते हैं कि स्टार्ट अर्ली, बिकॉज आपके पास ज़्यादा लाइबिलिटीज नहीं होते हैं, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है. मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देता हूँ, जब मैंने अपनी एजुकेशन खत्म किया हुआ था, मेरा पूरे फैमिली का माइंडसेट था कि बेटा तेरे को जॉब ही करना है, कुछ भी कर ले तेरे को जॉब करना है घूम फिर के. ठीक है, आई डिड, मैंने 2-3 साल मतलब जॉब किया था, उसके बाद मैं आई शिफ्टेड टू सम अदर थिंग. व्हेन आई टुक द फर्स्ट डिसीजन कि मेरे को अपने बेस पे कुछ करना है, मैंने ये अपने पेरेंट्स के सामने रखा था कि मेरे को अभी अपने बेस पे करना है, मेरे को जॉब नहीं जम रहा, मेरे को नहीं करना है, कुछ अलग मेरे को हटके करना है, सिंपल, जो सबके पेरेंट्स बोलते हैं तेरे से नहीं हो पाएगा. ठीक है, वो मेरे को भी सुनने को मिला था. आई थिंक 3 या 4 ईयर्स, 3-4 साल तक उनके नज़र में यही था कि बेटा जॉब कर रहा है, लेकिन बेटा आराम से जा रहा है, स्टार्टअप फाउंडर बन के और अपना खुद का बिजनेस चला रहा है.
एंड सडनली वन डे उनको कहीं से पता चला था कोई रिलेटिव से, अरे ये तो यार एक कॉलेज में लेक्चर दे रहा था एज अ फाउंडर, आप बोल रहे जॉब करता ही है, देन वैसा घूम के उनको मालूम पड़ा था. बट देन सी आई वॉज पैशनेट, मेरे को पता मेरे को कुछ तो अलग हटके करना है, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर लिया था. वो भले ऊपर वाला माफ करे मेरे को उसके लिए झूठ बोला था मैंने, बट मेरे को करना था, वो मेरे इस पे था कि मेरे को आगे अलग से कुछ करना था. आई स्टार्टेड माय जर्नी और बाद में अभी उनको पता चल गया, सो नाउ दे डोंट रिग्रेट कि चलो ठीक है बच्चे ने उस टाइम पे सही स्टेप ले लिया, अब कर रहा है इतना अच्छे से. सो देन यू हैव टू टेक दिस डिसीजन कि आपको क्या करना है कैसे करना है, थोड़ा ठीक है देख लो कैसा आप एडजस्ट कर सकते हो. नाज़रीन, हमने सेशन वन में ये देखा कि किस तरीके से एक बिजनेस आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है, एक बिज़नेस आइडियाज़ की खसूसियत क्या होती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और किस तरीके से बिज़नेस आइडियाज़ को असेस किया जाता है, और हमने आखिर में एक केस स्टडी के ज़रिए उसको समझा. नाज़रीन, अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अब अगले सेशन में होगी. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.